start our program with the permission of Principal Ma'am. Thank you, ma'am. Now, I would like to invite Samriddhi Singh Thakur and Bhumi Baghel for their song. जिया सिंह बघेल फॉर हर पोएम. सुबह मध्याना मैं जिया सिंह बघेल कक्षा छठी से आज मातृ पितृ दिवस के अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ. हर मुश्किल तब तक हमारी आसान है जब तक हर मुश्किल हमारी तब तक आसान है जब तक घर में माता पिता का सम्मान है. माँ की दुआ हमेशा से बचाती है, पिता की सलाह हमेशा तरक्की दिलाती है. माँ हमारी सबसे बड़ी हमदर्द है, पिता हमारे जीवन भर वो हम सफर है. मुश्किल के समय जब ठोकर लगी तब समझ आया कितना जरूरी होता है सिर पर माँ बाप का साया. नहीं जरूरत उसे पूजा पाठ की जिसने सेवा करी है माँ बाप की. इनसे बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं. माता पिता के शरण को चुका सके ऐसा कोई धनवान नहीं. धन्यवाद. थैंक यू जीवा फॉर योर ब्यूटीफुल पोएम. नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ईशान रात्रे. टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू फॉर डिलीवरिंग अ पोएम टाइटल्ड माय फादर माय मदर. माय फादर इज माय गॉड एंड माय मदर ऑलवेज टेक्स मी माय साइड. She keeps me always from the things very bad. She never tells me sir. For me, my life is very hard. But for me, he is my being happy card. They know how to drive a car. But for me, they are my superstar. For them, my head should nod. Because for me, they are my God. They teach me good moral. They never teach me how to quarrel. Happy Parents Day to all. Thank you. Good afternoon to all. Myself, Triyansh Rajna. To deliver a song. तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला. तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला. माँ ओ मेरी माँ तू मेरा लाडला. माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला. बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूँ.
उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, रखूं तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी, मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, माँ तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ तू मेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ, बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ, तेरी खुशी मेरी खुशी तेरे लिए गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं 100 जन्म, तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ तू मेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। मैं पूरा साहू मातृप्रीति दिवस के अवसर पर कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है, माँ तो जन्नत का उसूल है, प्यार करना उसका उसूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है, माँ की हर दुआ कबूल है, ए इंसान माँ को नाराज करना तेरी भूल है, ए इंसान माँ को नाराज करना तेरी भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। थैंक यू। ईश्वर है तू जो है उनके कारण है, तू रोता था वे रोते थे, जीवन भी इस सल मोल रतन है, रातों में गीली चादर वो तेरे साथ सोते, मिल जाता है सब कुछ बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाता है सब कुछ, लेकिन ना तो माँ जैसी जन्नत मिलती है और ना ही बाप जैसा साया। और एक और शायरी बोलना चाहता हूँ। माँ कहती है कि बेटा कब खाएगा, माँ कहती है कि बेटा कब खाएगा, बाप कहता है कि जिंदगी भर बेटा कैसे खाए। एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मातृपितृ भक्ति दिवस का है अवसर, मातृपितृ की सेवा में सदा रहे तत्पर, शरण कमलों की रज लगा मस्तक पर, बना रहेगा सुभाषित सदैव हम पर, तन्हाई में जब बीते लम्हों की याद आती है, क्या कहे जिस्म से जान चली जाती है, यो तो पापा बहुत दूर चले गए हमसे, पर आंखें बंद करो तो सूरत उनकी नजर आती है। धन्यवाद। मेरा नाम रूपा साहू है, मैं नीलगिरी सरन से उपस्थित हूँ। मैं आपके समक्ष कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका असूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है, माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, माँ को कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है, ख्यालों में भी मेरी ही ख्याल रखते हैं,
मेरे हर दर्द का अपनी बाहों में इलाज रखते हैं। खरोच एक उन्हें कई रातें जाग जाती है। पापा भी ना दिल अपने पास और धड़कने मेरे होठों मुस्कान में रखते हैं। थैंक यू। तनुश्री साहू, मैं आप लोग के समक्ष कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा साहस, मेरी हिम्मत, मेरा पहचान, मेरा रुतबा, मेरा मान है पिता। मुझको हिम्मत देने वाले मेरा अभिमान है पिता। सारे रिश्ते उनके दम से, सारे नाते उनसे हैं। भगवान का दूसरा रूप है माँ, उनके लिए दे देंगे जा। हमको मिलता जीवन उनसे, उनके कदमों में है स्वर्ग बसा। सुख में हमारे खुश हो जाती, दुख में हमारे आंसू बहता। कितने खुश नसीब हैं हम, पास हमारे जब है माँ। धन्यवाद। से अलग है जीना सिखलाए, अच्छाई से सच्चाई से जिंदगी पली। मेरे पापा दुनिया में सबसे खास है, तेरी ही मिसाल मेरे साथ है चली। ईश्वर की अनुपम सी छाया हो तुम, हिम्मते हो, ताकते हो इस परिवार के तुम। थैंक यू। मेरा नाम हर्षित वर्मा है, मैं कक्षा 7वीं का छात्र आप सभी के बीच मातृ पितृ दिवस के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ। माता पिता भगवान की दिए हुए अनमोल उपहार हैं। माता पिता का स्थान हर व्यक्ति के जीवन में भगवान से पहले आता है। माता पिता का प्यार निस्वार्थ होता है और वह हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को त्याग देते हैं। माता पिता हमेशा बच्चों को सफल होते हुए देखना चाहते हैं। माता पिता का अपने बच्चों के साथ पवित्र रिश्ता होता है। सिर्फ माता पिता ही ऐसे होते हैं जो हमें जीवन देते हैं और अच्छे संस्कारों से सींचते हैं। माता पिता की ममता एवं त्याग का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते, पर हमें भी उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। आधुनिक समय में लोग माता पिता के महत्व को भूलते जा रहे हैं और उनसे सही तरीके से बात भी नहीं करते। बच्चे बड़े होकर माँ बाप का प्यार भूल जाते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, जो कि बहुत गलत है। माता पिता का निरादर भगवान के निरादर के समान है। हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे जीवन में एक बार ही मिलते हैं। माता पिता के ऊपर दो पंक्ति बोलकर मैं अपनी वाणी विराम देना चाहूँगा। बिना बताए वो हर एक बात जान लेते हैं, बिना बताए वो हर एक बात जान लेते हैं। दोस्तों, माँ बाप ऐसी शख्सियत हैं जो मुस्कुराहटों के पीछे की गम को भी पहचान लेते हैं, गम को भी पहचान लेते हैं। तो, मेरा नाम रमाली साहू है, मैं अरावली सदन से आप सबके समक्ष मेरा गाना प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरे गाने का शीर्षक है पूजा है तुझको। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। एक वो ही भगवान है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, यही मेरी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, तेरी मेहरबानी है। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरा वो हंसना वो तुझको हंसा देना, और मैं जब रो दूं फिर तेरा रो देना। तेरी ही उंगली, तेरा ही आंचल, याद आए पल पल।
हर पल सर पे तेरा हाथ हो, पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। धन्यवाद। ध्यानम, मेरा नाम श्रद्धा चंद्र है। आज मैं माता पिता दिवस के ऊपर एक कविता बोलना चाहती हूँ। माता पिता के चरण छू प्रभु का करना ध्यान, कभी ना इनका कीजिए जीवन में अपमान। सारे तीर्थों के जैसी महत्ता एक माता की होती है, सारे सर्व देवों के जैसे महत्ता एक पिता की होती है। आओ इन प्रत्यक्षों देवों के चरणों में करें अभिवादन। धन्यवाद। मैं सिमरन बांधे यंशिका यादव आप सभी के समक्ष मातृ पितृ दिवस के अवसर पर एक गाना प्रस्तुत करना चाहते हैं। उंगली थामे चलना तूने सिखाया था, पांव थके तो कांधे पर बिठाया था, खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को, पापा तुमने अपना संसार बनाया था, नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार, चेयर ले जा, वो चेयर भी ले जा, खड़े मत रहो, मेरे पापा मेरा संसार है, नाम तेरा है, मेरे पापा मेरा संसार है। धन्यवाद। शुभ मध्याना, मैं अंजलि वर्मा उदयगिरी सदन से मातृ पितृ दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। पत्थर की पूजा करने से पुजारी खुश हो जाएंगे, बस चूल्हे पर मात पिता के वो भगवान तुझे मिल जाएंगे। खुद की पीड़ा में न जाने कितनी रातें बिताता है, लेकिन बच्चा अगर दुख में तो पिता सो नहीं पाता है। डांट डांट कर जो बच्चों को मिस्री सी सीख दे जाए, तभी तो ये सारी दुनिया भी धरती माता कहलाए। हमें जिताने के लिए जो सारी उम्र गंवाते हैं, आज जीत कर हम उन्हें अपना एक पल भी न दे पाते हैं। हमारे भूख के लिए जो खुद खाना भूल जाते हैं, नाप के देख उनके प्रेम की क्षमता सागर भी छोटे पड़ जाते हैं। जाओगे तुम आगे बहुत, पर आगे पहुँचने वाले वो फरिश्ते नहीं मिलते। इस भीड़ में उनके जैसे रिश्ते नहीं मिलते। मिलते हैं हजारों लोग, मगर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। धन्यवाद। तो आप सब उनके सामने छत्तीसगढ़ी के छोटे से गीत ला प्रस्तुत करत हूँ। नौ महीना ले कोख में रखते कत को जोखिम सही थे जी, नवा जन्म दे थे दाई को ना कहे थे जी, बाप के पद विद्वान बना थे कत को अंगठा छापला, सुख मा दुख मा कभू कभू तुम झन भूला मा बापला, झन भूला मा बापला, झन भूला मा बापला, सृजन करते पालन करते कम करते संतापला, सुख मा दुख मा कभू कभू तुम झन भूला मा बापला, झन भूला मा बापला, झन भूला मा बापला, कानाला मा बाप के मानो पीरा है सुख बन जाही, मान जिया हो थे सियान के ओ घर है जस बगराही, माँ की ममता दुनिया में। छठवीं अरावली सदन से उपस्थित हुई माता पिता दिवस की कविता को लेकर
कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिए है माँ ने मगर जानेगा जिससे वह जग पहचान है पिता। केवल जन्म नहीं देती वह जीवन भी देती है। कभी कंधे पर बैठा कर मेला दिखाता है पिता, कभी बनकर घोड़ा घुमाता है पिता। माँ अगर पैरों पर चलना सिखाती है वो पैर खड़ा होना सिखाता है पिता। बिना वो उंगली पकड़े कहाँ कुछ हासिल होना, साथ ना हो उनका तो जिंदगी में रोना ही रोना। कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी मौन तो कभी भाषण है पिता। पर बिछाना कभी रोटी तो कभी जवानी है पिता। माँ अगर मासूम सी लोरी तो कभी भूल ना पाऊंगी वह कहानी है पिता। माँ की ममता में देखो कितना है दम, दुनिया भर की उमंग उसके आगे है कम। कभी ನಾನು ನೋಡಿದ ಮೊದಲ ವೀರ ಬಾಲು ಕಲಿಸಿದ ಸಲಹೆಗಾರ ಬೆಳಗು ಮೂಡಿಸೋ ಜಾದುಗಾರಪ್ಪ ಹಗಲು ಬೆವರಿನ ಕೂಲಿಗಾರ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೌಕಿದಾರ ಎಲ್ಲ ಕುಳಿಸುವ ಸಾಹುಕಾರಪ್ಪ ಗದರೋಣಿಸೇಗಾರ ಮನಸ್ಸೇ ಕೋ लोगों का वक्त और मुझे मेरा आने वाला दौर समझाती है। लोगों का वक्त और मुझे मेरा आने वाला दौर समझाती है। माँ जब भी तुमसे दूर जाता हूँ तुम्हारी यादें सताती हैं, तुम्हारी यादें सताती हैं। थैंक यू। मुड़ के ना देखो दिलबर
दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो, फासले जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है, फासले जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है, ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे, मुड़ के ना देखो दिलबरों दिलबरों, मुड़ के ना देखो दिलबरों, मुड़ के ना देखो दिलबरों दिल। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सो डिड यू एंजॉय द डे? यस मैम। सो ग्रीटिंग्स टू यू ऑल ऑन द ओकेजन ऑफ मातृ पितृ दिवस, एंड आई मस्ट से दैट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, दैट मीन्स यू गॉट ओनली टुडे, राइट? Yesterday you were not aware of the program, but within short notice you performed well, and all the items, it was meaningful and true to the day, true to the theme of the day. Yes, students, parents are the best gift given to an individual by Providence, and parents also live for their children. The greatest gift that a parent can have is the child, the performance of the child. If you do good, they will be happy. If something happens to you, they will get desolate, they will get unhappy. So, I hope that you won't do anything that will mar the happiness of your parents. They may be harsh at times, but it is only for your welfare. डांटते हैं कभी कभी, लगता है गुस्सा है ना कि डांट रहे हैं करके, लेकिन उसमें भी उनका प्यार छुपा है, उनका जज्बात छुपा है आपके well-being के लिए, क्योंकि एक अच्छा friend जो होता है एक इंसान का, वो पेरेंट्स ही होता है। छोटे से लेके बड़े होते तक, तुम कितने भी बड़े हो जाओ, उनके लिए हमेशा तुम छोटे ही रहोगे। कभी कभी एम्बरेसिंग लगता है कि पेरेंट ऐसे मत करो वैसे मत करो, और लोगों के बीच में भी, लेकिन उसे बुरा नहीं मानना है, उससे सीखना है, ठीक है? और आज ये प्रॉमिस करो सारे बच्चे कि कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनका सिर शर्म से नीचे हो जाए। उनको जब भी तुम्हारी याद आए प्राइड से लोगों को, उनके फ्रेंड्स से तुम्हारे बारे में बता दें, ठीक है? आज सारे बच्चे यहाँ पे, मुझे तुम्हारी प्रॉमिस चाहिए। प्रॉमिस कर रहे हैं? हाँ। तो जहाँ पर भी है, जो भी काम तुम कर रहे हो, पूरे शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करना, और हमेशा डिसिप्लिन रहना, चाहे यहाँ रहो, बाहर जाए, कहीं पर भी हो, कितने भी बड़े हो जाए, कभी भी कोई गलत काम करने से पहले अपने माँ और पिताजी का चेहरा जरूर याद करना। एंड माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड जितने भी बच्चे यहाँ पे परफॉर्म किए उन सबको मैं अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे वे में, चाहे वो पोएम के माध्यम से हो, चाहे वो गीत के माध्यम से हो, उन्होंने यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दी, और 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। उम्मीद करती हूँ कि और भी बच्चे आए सामने,
अपने जो हिडन टैलेंट्स हैं वो सामने लेके आए। बच्चों में बहुत शक्ति है इंसान के अंदर, इतने कम टाइम में आपने प्रिपेयर किया, तो जैसे होता है ना टाइट जो होता है यूजफुल भी होता है, और जब कोई बाउंडेशन नहीं रहता है अनलिमिटेड एनर्जी होता है तो क्या होगा, पूरा डिवास्टेशन होता है ना, हरिकेन आता है, स्टॉर्म आता है, क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव है कि कंस्ट्रक्टिव है, स्टॉर्म आता है, हरिकेन आता है, सुनामी सब सुने होंगे ना, क्या होगा उसमें, या स्ट्रॉन्ग विंड आता है, क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन एक बाउंड वे में करने से क्या होगा, उससे एनर्जी आती है जो मैनकाइंड के लिए सबके लिए यूजफुल होता है। तो हर एक इंसान के अंदर भी वैसी ही शक्तियां हैं, वैसी ही पोटेंशियल है, उसको रिकग्नाइज करो और अच्छे से मतलब उसको प्रोग्रेसिव वे में यूटिलाइज करना। सो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू धैर्य, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, डियर कोलीग्स एंड लविंग स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। पहले तो मातृपितृ दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और वोट ऑफ थैंक्स के कड़ी मैं यही खड़ी हूँ। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आप लोगों ने, तो इसी के लिए मैं हमारे जो प्राचार्य महोदया है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगी, ताकि जो हमने वेरी शॉर्ट पीरियड में सोनी सर, प्रदीप सर, हमारे गायकवाड़ सर, मोनिका मैडम सब ने ये प्रस्ताव रखा कि मैडम आज के दिन को हम मातृपितृ दिवस के हिसाब से मनाते हैं, ताकि एक पॉजिटिव फीलिंग हमारे बच्चों में डेवलप हो, तो मैडम ने बहुत जल्दी ही परमिशन दिया, हाँ आप लोगों का जो राय है बहुत अच्छा है और आज ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा, और मैडम ने भी गाइड किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे साथी शिक्षकगण जो इसी कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायता किए, बच्चों को प्रिपेयर करवाए, तो मैं मेरे साथी शिक्षकगण को भी हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, और बाकी सारे जो पार्टिसिपेंट बच्चे हैं पार्टिसिपेट किए वेरी शॉर्ट पीरियड में, 11th क्लास के ऑर्गेनाइजर थे हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि मोनिका मैडम, सोनी सर और गायकवाड़ सर को ये दायित्व दिया गया कि सर आप लोग तैयार करवाइए, तो 8th पीरियड में हिंदी का एक आपको दिया गया था लिखने के लिए, मातृ पितृ दिवस के उपलक्ष्य में ऐसे राइटिंग था, तो 8th पीरियड में बहुत मेहनत की हमारे साथी शिक्षकगण सोनी सर और मोनिका मैडम भी इसमें कोऑपरेट किए, तो उनको मैं सबकी प्रिंसिपल मैडम और बाकी सबकी ओर से धन्यवाद देती हूँ, ताकि हमारे बच्चों का मनोबल इस तरह से बढ़ाते रहें, और 11th क्लास के स्टूडेंट्स खास करके धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी ऑर्गेनाइज किया ये सारे प्रोग्राम को, और बहुत अच्छी तरह से सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे आपकी माइक की अरेंजमेंट हो, और ये सब इन्होंने करा, इसलिए 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देती हूँ। फिर हमारे जो पार्टिसिपेंट स्टूडेंट हैं इधर पार्टिसिपेट किए सारे कार्यक्रम में, और जो बैठ के ऑडियंस के हिसाब से शांतिपूर्ण से ये प्रोग्राम को एंजॉय करे, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, तो इन सबके लिए बहुत तालियां दीजिए। और नेक्स्ट हमारे मेंटर मैडम और ऑफिस स्टाफ और बहुत सारे टीचर्स और पेरेंट्स भी आए हुए हैं यही प्रोग्राम को, उन लोगों ने भी देखे पेशेंस ली, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे जो एंकर खड़े हुए हैं राहुल और धैर्य, इन लोगों ने सबको मोटिवेट करे, सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करे बहुत अच्छे तरह से, तो एंकरिंग इन दोनों के लिए बहुत जोरदार क्लैपिंग करिए, और धन्यवाद राहुल और धैर्य। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे हमेशा जो भी सीसी एक्टिविटी होती है उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें, ताकि आपको हम निखारना चाहते हैं, है ना, तो जो भी हिडन टैलेंट है आप में वो सब उभर के आए, और धीरे 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 होके ये भी से तुम ऐसे
ना कि नहीं मुझे शर्म आ रही है, ये ना बोले कभी भी। जो भी आए, अभी फिनिशिंग नहीं आई है, सिक्स सेवेंथ क्लास में जो आए, कभी कभी हंसी भी आती थी, है ना, हम लोग सुन रहे थे, तो और भी थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग है, लेकिन शर्माना नहीं है। और वो सारी चीजें आके धीरे 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 उसमें ना, जब तक तुम ट्वेल्थ में आ जाओगे, बहुत अच्छे से निखार आएगा, उसमें फिनिशिंग आएगा। तो हमको नहीं आता करके नहीं आना, ये कभी नहीं सोचना है, ठीक है। तो हर सीसीए एक्टिविटी में आप लोग पार्टिसिपेट करें, और इस तरह से हम हर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे कलेक्टिवली, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वन एंड ऑल।